मैंने के लिए इस तरीके से कपड़े के थ्री पीसेस लिए हैं, रेक्टेंगल पीसेस, 1, 2, 3, तो 1, 2, 3 पीसेस लिए हैं। तो ये मेरा बॉटम के लिए यूज होगा, तो इसे साइड पे रखती हूँ। और ये जो हमारा साइड के लिए यूज होगा, इस पे हम शेप देंगे। तो ये 2 पीसेस हैं, ये साइड्स के लिए, इसे हम शेप देंगे। शेप यहाँ से इस कॉर्नर से हमें आगे की तरफ आना है, 6 इंच पे मैं निशान लगा लूंगी। यहाँ से 6 इंच, यहाँ से अंदर की तरफ हमें नीचे की तरफ जाना है 9 इंच। यहाँ पे नीचे की तरफ 9 इंच पे मैं दूसरा निशान लगा लूंगी। इस निशान को स्ट्रेट मिला दिया, यहाँ से 6 इंच, यहाँ से 9 इंच। अब यहाँ से आपको एक और निशान लगाना है, यहाँ से हमें निशान लगाना है 8 इंच पे। यहाँ से हम निशान लगा देते हैं 8 इंच पे। अब इस निशान को इस निशान से आपको मिला देना है, इस निशान को हम इस निशान से मिला देंगे। ये देखिए इस तरीके से ये मैंने मिला दिया। यहाँ पे इस तरफ हल्की सी गोलाई दे दीजिए, हल्की सी यहाँ पे मैंने गोलाई दे दी। सेम गोलाई आपको इस तरफ भी देनी है, हल्की सी गोलाई इस तरफ। ये देखिए इस तरीके से इसी शेप में तुम्हारा एक कट हो गया इस शेप में। बैक हमारी कट हो गई थी, ये हमारा बॉटम के लिए हो गया और ये हमारा साइड्स के लिए हो गया। अब हमें एक फ्रंट के लिए पूरा लंबा पैनल बनाना है, जो हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक ज्वाइन होगा। उसके लिए हमें पूरा एक स्ट्रेट कपड़ा लेना है, जो हम यहाँ से लेके यहाँ तक ज्वाइन करेंगे। उसके लिए हम रफली से मेजर कर लेंगे पूरा, किसी भी तरफ से, इस तरफ अप्रॉक्सीमेट 54 इंच आ रहा है, तो इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही ले लेती हूँ। 56 इंच लेंथ मैंने कपड़ा लिया हुआ है, देखिए इस तरीके से। आप इसे पुराने कर्टन में से भी बना सकते हैं। तो लंबाई मैंने ली है इसकी एक लंबा सा पीस, अगर पूरा लंबा पीस नहीं है तो जोड़ डाल के भी आप इसमें यूज कर सकते हैं। तो ये मैंने सेंटर के लिए लिया है, और इसकी विड्थ मैंने ली है 18 इंच का ये पीस लिया है सेंटर में लगाने के लिए। तो ये हो गया सेंटर के लिए, ये हो गया हमारा साइड्स के लिए, और ये हो गया हमारा बॉटम के लिए। तो अब हम इसे स्टिच करना शुरू करते हैं आपस में। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें जिप लगा लेते हैं। तो ये जो बॉटम वाला था 18 इंच बाय 18 इंच का पीस, इसे हम सेंटर में से अलग कर लेते हैं। अब इसके ऊपर हम जिप लगाएंगे, तो सेम इसी साइज की मैंने एक पीस जिप का ले लिया। तो जिप की सीधी तरफ रखना है, इस तरफ से रखते हुए यहां से लेके यहां तक इस पे सिलाई लग, ये देखिए ये मैंने सिलाई लगा ली। अब इसे टर्न कर लीजिए इस तरीके से, और यहाँ पे टॉप स्टिच लगा लीजिए। ये मैंने टॉप स्टिच लगा लिया, तो एक तरफ से जिप अटैच होगी। अब सेम सीधी तरफ अंदर की तरफ करते हुए ये जो दूसरे वाला पीस हमने जहां से कट किया था यहाँ पे रखना है, यहां से लेके यहां तक इस पे सिलाई, ये मैंने सिलाई लगा ली। इसे भी पलटते हुए इस पे भी हम टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो इसे मैंने इस तरीके से पलट लिया, यहाँ पे ऊपर की तरफ टॉप स्टिच लगा लिया। तो जिप हमारे इंसर्ट हो गई इसके बीच में, तो बॉटम हमारा बिल्कुल रेडी हो गया। तो 2 मिनट इसे साइड पे रखते हैं। अब हम पहले साइड जोड़ लेते हैं। तो ये दोनों साइड वाले पीसेस हैं, इसमें से एक पीस ले लेती हूँ मैं इस तरीके से, और ये जो हमने कट किया था ये सिंपल स्ट्रेट पीस वो ले लेते हैं। तो जैसे हमने नाप लिया था एक कॉर्नर से लेके दूसरे कॉर्नर तक, वैसे ही हमें इसे अटैच भी करना है सिंपल पीस को। तो सीधी तरफ आपको कोई भी एक कॉर्नर ले लीजिए, ये 18 इंच विड्थ है, 18 इंच विड्थ है, लंबाई में हमें लगाना है जैसे हमने नाप लिया था। सीधी तरफ अंदर की तरफ रखते हुए यहाँ पे रखना है इस पीस को, यहाँ पे रख लिया। फिर यहां से घुमाते हुए ये देखिए इस तरीके से, मैं पिनअप करके दिखा देती हूँ आपको। इसे बिछाना शुरू किया यहाँ से सिलाई लगाते हुए, यहाँ तक पूरा हमें ये इस पे सिलाई लगानी। ये देखिए
जैसे मैंने आपको पिनअप करके दिखाया था, ये वाला पीस मैंने ले लिया, यहाँ से शुरू करना है और यहाँ तक खत्म करना है। ये जो स्ट्रेट वाला हिस्सा है इसे छोड़ देना है हमें, यहाँ पे हमारा बेस अटैच होगा। तो हम यहाँ से शुरू करते हुए पूरा घुमाते हुए यहाँ तक लगाएंगे, चाहे यहाँ से शुरू कर लीजिए चाहे यहाँ से शुरू कर लीजिए। तो अब हम इसके लिए कपड़ा ले लेते हैं। ये जो सेंटर वाला पीस है, इस तरीके से कॉर्नर यहाँ पे रखते हुए हम इस पे पूरे पे सिलाई लगा लेंगे। ये विड्थ वाला हिस्सा है, लेंथ वाले हिस्से में आपको सिलाई लगा। लिया था ऐसे, और लंबाई में मैंने पूरा ये पूरा नाप के लिया था हमारा इसके बराबर की गोलाई। एक कॉर्नर से लेके मैंने दूसरे कॉर्नर तक इसकी यहाँ से पूरी गोलाई नापी थी, और इसी तरीके से जैसे गोलाई नापी थी मैंने ये देखिए इस पे अटैच कर लिया। तो एक साइड हमारी अटैच हो गई, ऐसी हमें दूसरी साइड भी करनी है। तो ये वाली अटैच हो गई। तो सिंपल देखिए, स्ट्रेट लंबा पीस है जिसे हमने अटैच किया है इसके साथ। ये जो हमारा एक्स्ट्रा आ रहा है इसे हम बाद में एक्स्ट्रा कट कर लेंगे, तो एक्स्ट्रा लेके ही चलिएगा ताकि आपका छोटा ना हो। अब हम ये वाले पीस को इस तरफ अटैच करेंगे सेम उसी तरीके से जैसे हमारा इस तरफ है, ये देखिए। तो वही सिंपल स्ट्रेट वाला पीस है, जैसे ये सिलाई लगाई है हम इस तरफ भी से सिलाई लगाएंगे। तो ये हमारा इस तरीके से है यहाँ पे। यहाँ से हमारा सिलाई लगना शुरू होगा और पूरा राउंड में सिलाई लगते हुए देखिए इस तरीके से हम इस पे सिलाई लगा लेंगे। यहाँ से सिलाई लगाते हुए फिर इसे यहाँ से गोल घुमाते हुए इस तरीके से, फिर इससे और फिर ऐसे इस पे पूरे पे हम सिलाई लगा लेंगे। तो इस पे भी हमारी सिलाई लग जाएगी, इस पे भी, तो हम इस पे भी सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ से हम इस पे सिलाई लगाना शुरू करेंगे जिससे हमने पहले लगाई थी। तो यहाँ से हम इस पे पूरे पे सिलाई लगाएंगे, ये देखिए जैसे मैंने रखा था वैसे ही मैंने रखा हुआ है। और हम इस पे वाले भी साइड पूरी जोड़ दी। मैं नीचे बिछा के दिखा देती हूँ आपको एक बार। ये देखिए, ये हमारी साइड अटैच हो गई, ये वाली साइड भी और ये वाली साइड भी, जैसे मैंने आपको दिखाया। बीच में सिंपल स्ट्रेट पीस लिया है मैंने, जिसे मैंने यहाँ से लगाते हुए यहाँ तक पूरा लगा दिया है, इस तरफ से भी और इस तरफ से भी। तो ये जो बीच वाला है सिंपल, जो हमने सब रेक्टेंगल पीस लिया था वो वाला पीस है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से अगर आपका इस तरीके से एक्स्ट्रा आ रहा है देखिए मेरा, तो जितना भी एक्स्ट्रा आ रहा है इसे मैं कट करके इस तरीके से। तो ये हमारा बैक वाला पोर्शन आएगा, ये हमारा साइड में आएगा। देखिए इस तरीके से आप देखेंगे तो आपको थोड़ी सी शेप नजर आएगी इसकी, चेयर टाइप में। देखिए ये हमारा नीचे की तरफ से आएगा। अब हमें क्या करना है, अब हम इसमें बॉटम वाला पीस वो हमें अटैच करना है यहाँ पे नीचे की तरफ। ये जो हमारा ओपन आ गया है देखिए, एक स्क्वेयर सा आ गया है इस तरीके से, ये आप देखेंगे तो ये हमारा इस तरीके से स्क्वेयर सा आ गया। यहाँ पे हमें वो ज्वाइन करना है, सीधी तरफ रखनी है आपको अंदर की तरफ इस तरीके से रखते हुए। चाहे तो इसे पिनअप कर लीजिए यहाँ से, इसे हम नीचे की तरफ यहाँ पे ज्वाइन करेंगे पूरा चारों तरफ। हम लगाते हुए इसके चारों तरफ सिलाई से इसे अटैच कर लीजिए। सिलाई लगा दी। अब यहां जिपर वाले पोर्शन की तरफ से हम इसे पूरा सीधा कर लेंगे। जो मैंने साइड कटिंग की थी और एक जो बॉटम कट किया था वो यहाँ आ गया, और एक जो लंबा सा पीस मैंने कट किया था
वो यहाँ से लेके पूरा राउंड में हमारे यहाँ तक आ गया। देखिए तो हमारा इस तरीके से ये बाहर का कवर बिल्कुल रेडी हो गया। अब हमारी आती है हमें इसे फिल करने की। ये देखिए तो इस तरीके से पुरानी कतरने, पुराने कपड़ों के टुकड़े पड़े हैं मेरे पास, वो थोड़ी सी मेरे पास इस तरीके से कॉटन भी पड़ी है, वो कुछ भी आप इसमें फिल करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो बस हमें क्या करना है, यहाँ एक तरफ से हम इसे फिल करेंगे। पहले ये ऊपर वाला हिस्सा हमें फिल करना है, ये जो हमारा ऊपर की तरफ है इसे फिल करना है, फिर बॉटम वाला हम फिल करेंगे। साइड से बहुत अच्छे से मैंने फिल किया, आपको दिखाई दे रहा होगा बहुत टाइटली अच्छे से मैंने इसे फिल किया हुआ है। ये मैंने फिल कर लिया इस तरीके से, देखिए बिल्कुल रेडी हो गया। ये हमारा फ्रंट का जो हमने पीस लगाया था पूरा आ गया। ये हमारा साइड से देखिए, साइड पैनल आ गए इसके, इस तरफ से भी और इस तरफ से भी, दोनों साइड पैनल आ गए। और इस तरीके से ये सोफा हमारा देखिए बिल्कुल रेडी टू यूज है, बिल्कुल रेडी हो गया।